ईद मुबारक once again, ईद मुबारक। अच्छा हमने बहुत, मैं आपको कोई सियासी बात नहीं करने दूंगी कुछ देर के लिए। ओके फाइन, चलो कुछ देर का तो एटलीस्ट हमें टाइम मिल गया, बिकॉज ईद है आफ्टर ऑल। मतलब कल से हमने और करना गया, यही बातें करनी है। तो आज हम थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा थिएटर, कोई आर्ट्स की बातें हो। तो सबसे पहले हमारी जो गेस्ट आज हमें ज्वाइन करनी, शी जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, और पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुकी हैं, बिकॉज माशाल्लाह क्या वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और क्या वो झंडे गाड़ रही हैं दुनिया में। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे आपने देखा होगा, स्पॉटिफाई पे इनको फीचर किया गया था। पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत, और लेट मी से दिस, थोड़ी अंडररेटेड, क्योंकि जब हम इनसे मिले, इनसे मुलाकात की, इनका टैलेंट देखा, तो हमने कहा भाई मतलब ये कहाँ थी और ये कहाँ हैं। महक अली इज विद अस जॉइनिंग फ्रॉम लाहौर। ईद मुबारक महक। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने मुझे ईद वाले दिन भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आप लोग की टीम ने मुझे लालच दी थी कि जाते ही आपको बारबेक्यू मिलेगा, तो फिर मैं आ गई इसलिए। बहुत ही आला। देखिए आपको पता है कि हमने सड़ी गर्मी में या दोपहर में आपके लिए बारबेक्यू का इंतजाम किया है, ऑल्दो शाम में जरा बेहतर रखते हैं। और हमारी जो होती है ना महक, ये बड़ी काम करती है, तो हमने आपको भी लगा दी और आप माशाल्लाह आ गई हमारे शो पे। सो महक, टेल अस व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीस डेज। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी, और छोटी ईद नहीं है वरना मैं आप लोग से ईद भी मांग लेती। तो खाने वाने चल रहे हैं, घर वालों के साथ ईद स्पेंड हो रही है। जबरदस्त। तो खाने वाने चल रहे हैं, मतलब आपको पता है लाहौरी आप जरा खुश खुराक भी होते हैं, जरा खाना, मुझे लगता है जायके से ज्यादा क्वांटिटी पे जोर होता है लाहौर में। सो आपको क्या पसंद है, बड़ी ईद की क्या स्पेशलिटी आपको? आप वो तो बनती ही है घर में या फिर होनी ही चाहिए? आप तो दोनों खुद लाहौरी हैं, और आप इसीलिए हमें पता पंजाबी जीदार होते हैं पाक लाहौरी, बट ये जायके पे भी, जायके पे भी गौर करते हैं, और जायका ना हो तो खाना कैसे खाया जाएगा। ट्रू। तो आपकी फेवरेट डिश क्या रहती है बड़ी ईद पर अमूमन? मेरी अम्मी बनाती है बड़ा मजे का स्टीम रोस्ट बनाती हैं, और पूरी रात इसको रोस्ट करती हैं, और बड़ी ही लजीज होती है। मतलब अब आप बस इस चीज़ को एंजॉय करें कि उसमें लेमन भी डला होता है, सारे मसाले डले होते हैं। महक तो बनता तो ये था कि आप हमें बुलाएं, तो हमने आपको बुला लिया, तो कराची में ना ये हमारे फासले आ गए, तो हम आपको वैसे बता रहे हैं जब हम लाहौर में होंगे तो आप यू कैन रिटर्न द फेवर एंड इनवाइट अस योर प्लेस। डन करें, डन करें, जबरदस्त हो गया। हम चाहते हैं कि आप भी कुछ रौनक लगाएं हमारे शो में और हमारे लिए कुछ गाएं। हमारे लिए क्या, पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ गाएं? पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स कुछ गाएं, तो ये मैं आप लोगों को ये डेडिकेट कर रही हूँ, और पूरे पाकिस्तान को भी ईद वाले दिन। ये कमली का ओएसटी है, जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है, इसलिए भी क्योंकि रेशमा जी का ही आखिरी गाना था जो उन्होंने गाया था। थैंक यू। दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है, दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है, तेरे कोलो वख हो के मैं मर जावे, तेरे कोलो वख हो के मैं मर जावे, हथ जोड़निया मैं तेरे अगे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोलना वे, मैनू तू 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 हाय मैनू तू तू। थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत आला, और के एक ना समा सा कुछ बन गया, मैं तो घुस गई आपकी आवाज़ में, बहुत खूबसूरत। और बाकी ये बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है कमली के ओएसटी से आपने गाया है। कमली ने क्या अदाकारी, क्या वो फिल्में हटके थी, बाकी सारी फिल्मों से बड़ी हटके फिल्म है।